हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। डेट इज 10th of April और ये अपनी जो ट्रिप की ये है सेकेंड लास्ट ब्लॉग। और आज मैं ट्रेवल करने वाला हूँ इन 1208 गुवाहाटी नाहरलगुन शताब्दी एक्सप्रेस। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग इन शताब्दी एक्सप्रेस एंड एज वेल एज आई प्रोमिस यू हैशटैग नॉर्थ ईस्ट ट्रिप के साथ हैशटैग इंडियन रेलवेज के साथ आप लोगों को अमेजिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस है। और ये अगर आप देखोगे आसाम का, और फिलहाल तो आसाम एंड अरुणाचल का एकमात्र शताब्दी है क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम आसाम टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन है एंड आसाम में है गुवाहाटी। वैसे पहले 12085 गुवाहाटी डिब्रूगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस रन हुआ करती थी, बट बिफोर कोविड वो रन हुआ करती थी। आफ्टर कोविड से उसको अभी तक रिज्यूम नहीं किया। वैसे आज की अगर मैं बात करूँ, आज तो सबसे पवित्र दिन है। एक तो यहाँ पे महानवमी है चैत नवरात्रि का, एंड दूसरी आज है रामनवमी। तो जय श्री राम, जय माता दी याद करके अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हाल ही में दोस्तों मैं बात करूँ तो इस शताब्दी में विस्टाडोम कोच ऐड किया गया है। और अगर आप देखोगे ये जो शताब्दी रन होती है ये सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाली शताब्दी है। एक तो 382 किलोमीटर वी विल कवर एंड एज वेल एज यू कैन सी दैट ये जो कोचेस यहाँ पे अवेलेबल है ये भी सबसे कम कोचेस अवेलेबल होने वाली शताब्दी है। सिर्फ इसमें आपको 3 एसी चेयर कार मिलेंगे, 2 लगेज के लिए कोचेस मिलेंगे और एक आपको यहाँ पे विस्टाडोम कोच मिलेगा। मैं जो ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ पे एसी चेयर कार। आई थॉट दैट इसमें विस्टाडोम कोच नहीं करेंगे, एक तो रात में पहुँचेंगे, आप लोगों को ज़्यादा तो कुछ दिखाने का है नहीं। सबसे बढ़िया विस्टाडोम कोच की जर्नी अगर आप देखोगे डेट विल बी फ्रॉम गुवाहाटी टू बदरपुर जंक्शन, जो अगर आप देखोगे काफ़ी अमेजिंग सीन्स वगैरह वहाँ पे कैप्चर होंगे। लेटर ऑन हम कभी उसमें करेंगे, लेकिन एक विस्टाडोम कोच की जर्नी आ रही है एंड डेट विल बी द लास्ट जर्नी ऑफ दिस ट्रिप। वो उसमें हम जरूर, अगर आप देखोगे काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, तो वो नेक्स्ट वीडियो आ रही है तो उसके लिए आप वेट जरूर कर सकते। टाइम इज गाइज ऑलमोस्ट 1:35। नेक्स्ट 10 मिनट में वी आर नाउ डिपार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो 10 मिनट में हमारा डिपार्चर होने वाला है, हम पहुंचेंगे 7:45 को। अपनी ड्यूरेशन होने वाली है लगभग 7 आवर्स की। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखोगे शताब्दी एक्सप्रेस है तो आपको नंबर वन थिंग लंचेस डिनर्स, मतलब खाने की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ यस, यहाँ पे हम फूड रिव्यू भी करेंगे, सब देखेंगे क्या कुछ है। तो यस, सब काफ़ी बढ़िया होने वाला है ये जर्नी। लेकिन टेंशन मेरी 2 चीज़ की है, एक तो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन जो कि अगर आप देखोगे क्या कहें, देन दूसरी ILP। अभी एक बात का ध्यान रखना, इफ़ यू आर कमिंग टू अरुणाचल प्रदेश यू नीड ILP। सो ILP या तो ऑनलाइन बना लेना या फिर वहाँ पे जाके भी मिल जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप आराम से ऑनलाइन बना सकते हो। आने के 1 वीक पहले आप ऑनलाइन आराम से ILP यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी। गाइस टाइम देख लो, 1:45 PM एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आप लोगों को बता दूं मैं जा रहा हूं यहां पे थ्रू रंगिया जंक्शन से, मतलब ये जो ट्रेन चलने वाली है वो रंगिया जंक्शन से जाने वाली है। सो अपनी ट्रिप का यहीं पे एंड हो रहा है, मतलब गुवाहाटी ट्रिप का। काफ़ी अमेजिंग रहा, आई होप यू हैव ऑल वॉच द ब्लॉग्स। अगर प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे हो तो जरूर ब्लॉग्स वगैरह देख लेना, लेकिन काफ़ी अमेजिंग रहा। आई होप सो आप अगले 2 ब्लॉग्स ठीक ठाक चला जाए, मतलब आज का रात, मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि। तो बाय बाय गुवाहाटी फॉर नाउ, जल्दी मिलेंगे। एक्सटीरियर कुछ इस तरीके का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये रहा डस्टबिन, ये नीचे फायर एक्सटिंग्विशर, वो अपना कोच है। इधर है C2 एंड C1 वॉशरूम। अगर आप देखोगे यहाँ पे नाहरलगुन शताब्दी एक्सप्रेस का कुछ इस तरीके का है, यू विल गेट द मिरर एंड ऑब्वियसली वॉश बेसिन इज देयर, यहाँ पे लिक्विड शॉप इज देयर। तो ओवरऑल वॉशरूम भी काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है। एंड यस, 2 टाइप के वॉशरूम है, ये जहाँ पे मैं वो वेस्टर्न स्टाइल वाले, एंड दूसरा अगर आप देखोगे इंडियन स्टाइल वाला भी वॉशरूम इज अवेलेबल देयर। तो यस ऑब्वियसली बड़ी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, तो ऑब्वियसली वॉशरूम भी आपको अमेजिंग मिलेंगे।
इंटीरियर इज लाइक सेम ओनली, जैसे कि आप लोगों को मैंने जन शताब्दी में दिखाया था। एंड एज आई टोल्ड यू दैट ये जो रैक शेयर होते वो जोराट वाली जन शताब्दी के साथ ही शेयर होते, तो सेम ही है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे अब लंच वगैरह आप कर सकते हो, देन फुटरेस भी ठीक है, आगे बोतल होल्डर इज देयर, ऊपर की तरफ लाइट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाए, चार्जिंग फ्लैप्स इज देयर ओनली। एक यहाँ पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन मेरी वाली इस सीट में भी अवेलेबल नहीं थी, और जब मैं जोराट टाउन वाला गया था उसमें भी अवेलेबल नहीं थी। एंड सीट कम्बिनेशन इज 2x3। सो नाउ वी आर जस्ट क्रॉसिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर, सरायघाट रिवर। पानी की बोतल यहाँ पे सर्व की गई है, रेल नीर, थोड़ी सी छोटी है लेकिन कोई नहीं, चलो हो जाएगा। और अभी अगर आप देखोगे गुवाहाटी से हम जस्ट निकले ही थे, मतलब हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस किया ही था, तो यहाँ पे कहीं आके यहाँ पे रुके। सो अपनी जो ट्रेन की अगर आप देखोगे 7th होल्ट है, 1st होल्ट विल बी रंगिया, देन विल गो टू टांगला, देन उदयगुरी, देन उसके बाद न्यू मासमारी, देन उसके बाद अगर आप देखोगे रंगपारा जंक्शन विल बी देयर, देन उसके बाद विश्वनाथ चराली, देन हारमोटी जंक्शन, एंड फाइनल अपनी नाहरलगुन यहाँ पे। अपनी यहाँ पे लॉन्च भी आ चुकी है, आप देखते हैं क्या कुछ है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। लेकिन अब अगर आप देखोगे थोड़ी देर में हम रंगिया जंक्शन पहुँचने वाले, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। PM in the afternoon, दोस्तों 12088 reached our first hold रंगिया जंक्शन, स्टेशन कोड इज RHY। आई होप साउंड की यहाँ पे आवाज आ रही होगी, बिकॉज जनरेटर की काफी ज्यादा साउंड आ रही है। तो यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा लगभग 30 मिनट्स का होल्ड होने वाला है, क्योंकि हमारा जो लोकोमोटिव है, मतलब अब जिस डायरेक्शन पे हम आए थे उसी डायरेक्शन पे आप रिवर्स किया जाएगा, मतलब पीछे तरफ लगाया जाएगा। और हमारा लंच भी आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे क्या कुछ लंच होने वाला है। और कुछ चीज़ें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे कि ये जो शताब्दी एक्सप्रेस देखोगे, दिस इज़ द ओनली शताब्दी एक्सप्रेस इन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी शताब्दी एक्सप्रेस रन होते, ये सिर्फ एक ही शताब्दी एक्सप्रेस है जिसमें विस्टाडोम कोच लगाया गया है। तो अगर आप देखोगे इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। तो सो फार द जर्नी इज अभी तक तो ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसा होता है। दाल, ये राइस, ये पराठा, नीड वन इज द गुलाब जामुन, ये दही। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉन वेज वाज देयर, तो क्या हुआ कि जब मैं बुक कर रहा था तब तो मैंने नॉन वेज बुक कर दिया, आई डिडंट रियलाइज दैट आज रामनवमी है, तो ऑब्वियसली तो आज नॉन वेज नहीं खाना होता है, तो नहीं मतलब मैं नहीं खाता, तो इसलिए मैंने वापस कर दी यहाँ पे। तो आज इसी के साथ काम चला लेंगे, नेक्स्ट ट्रिप में अगर कहीं पे अगर नॉन वेज हुआ तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। सो लेट मी फिनिश माई खाना, देन उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इट्स सर्व 3:15 एंड वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम नाउ रंगिया जंक्शन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिस डायरेक्शन से हम आ रहे उसी डायरेक्शन से आप जा रहे। इन टॉकिंग अबाउट द फूड, खाना कैसा था, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यस इट वॉज क्वाइट गुड। हालांकि अगर आप देखोगे 2016 में जब मैं दिल्ली गया था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट राजधानी एक्सप्रेस में, तब मैंने फूड सर्विसेज ली थी, तो उसके बाद आज है, लेकिन खाना वॉज क्वाइट गुड। नॉन वेज मैंने नहीं खाया, बिकॉज आज रामनवमी, तो ऑब्वियसली नहीं खाता हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट ट्रिप में कभी भी अगर हुआ तो नॉन वेज भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ओवरऑल दाल था, राइस था, रोटी था, रोटी नहीं पराठा था, दही था, तो सही था, सब कुछ सही था। तो यस, ओवरऑल फूड वॉज क्वाइट गुड आई वुड से। दोस्तों इट्स 3:43 एंड वी हैव रीच्ड अवर 3rd होल्ड टांगला रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड इज TNL, डिस्ट्रिक्ट आता है
उदलगुड़ी। और अगर आप देखोगे सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ट है, तो मेरे ख्याल से बाहर ना ही निकले तो सही रहेगा। सो या जस्ट 2 मिनट्स के होल्ट के बाद नाउ यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम तांगला रेलवे स्टेशन। It's 4:10 in the evening and now we have arrived Udalguri railway station. Station code is UDL and it is a district of Assam. Udalguri ek district hai Assam ka. So yes, quite good. Currently the journey is sirf 2 hi minute ka hold hai. Bahar nahi niklunga kyunki generator ka sound bahut zyada hai, to bahar nikalna koi sense nahi banta hai. So dosto, is train ki timing ki agar main baat karu to Saturday, Sunday and Thursday गुवाहाटी से रिज्यूम आती है S12088, नाहरलगन से S12087, मंडे फ्राइडे एंड सैटरडे को वहाँ से आती है। तो सिर्फ 3 दिन चलती है शताब्दी एक्सप्रेस। एंड एज आई टोल्ड यू दैट ये अपने रेक शेयर करती है यहाँ पे जोरहाट जन शताब्दी के साथ, एज वेल एज इसके जो रेक्स लगे हुए हैं वो डिब्रूगढ़ वाले शताब्दी में भी लगे हुए हैं, मतलब उसी का रेक्स यहाँ पे शेयर होता है, लेकिन डिब्रूगढ़ वाला अभी तक ओपन नहीं किया गया। और इसका जो विस्टाडोम कोच लगा हुआ है वो अगर आप देखोगे जो बदरपुर जंक्शन वाला विस्टाडोम कोच है ना, उसके साथ वो यहाँ पे शेयर करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे सब शेयरिंग के साथ चल रहा है, लेकिन ओवरऑल करेंटली द जर्नी इज क्वाइट गुड। अब देखते मेरे ख्याल से थोड़ी देर में हमें स्नैक्स आइटम भी देखने को मिलेंगे, तो कितना टाइम हुआ है लगभग 1 घंटे बाद मेरे ख्याल से स्नैक्स हमें दिया जाएगा। दो मिनट का होल्ड था, वी आर नाउ लीविंग फ्रॉम उदलगुरी रेलवे स्टेशन। दोस्तों इट्स 4:45 इन द इवनिंग एंड 12088 हमारी शताब्दी एक्सप्रेस अब आ पहुंची है न्यू मिसमारी रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड इज NMM, डिस्ट्रिक्ट आती है ये सोनितपुर के अंदर। सो एज आई वाज टेलिंग यू दैट ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है ये मतलब दोनों को संभालती है, मतलब इसके जो रेक्स है दोनों तरफ यूज होते हैं, डिब्रूगढ़ एंड नाहरलगुन बोथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुवाहाटी डिब्रूगढ़ नाहरलगुन लिखा हुआ है, और ये रहा डिब्रूगढ़ वाला शताब्दी का 12086 का रूट एंड दिस वन इज 12088 का रूट। सो आफ्टर 2 मिनट्स होल्ड नाउ यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम न्यू मिसमारी रेलवे स्टेशन। एंड डिब्रूगढ़ शताब्दी की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है अभी सिर्फ अनाउंस्ड हुआ है, इट हैज़ बीन ऑलरेडी अनाउंस्ड, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द ये रीओपन होगा। तो अगर रीओपन हुआ तो येस ऑब्वियसली हम उसमें जर्नी करेंगे, दिखाऊंगा आपको भी वहाँ पे। तो येस ऑब्वियसली वहाँ के भी जर्नी बहुत जल्द आने वाली है। फिलहाल आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आर यू एंजॉइंग दी ब्लॉग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, काफ़ी मेहनत लग रहा है तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेट करता है।
मिनट बाद ही ना हुई है ब्रिज रंगापारा रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन बेसिकली, स्टेशन कोड इज RPAN, सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है, जनरेटर का आवाज़ काफ़ी तेज आ रहा है। अगर आप देखोगे ये एक जंक्शन है और यहाँ से अगर आपको तेजपुर जाना हो तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो तेजपुर डेकरगाँव, जो तेजपुर का सबसे नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ यहाँ से हम जा सकते हैं। और दो लाइन अगर आप देखोगे, एक लाइन जो हम आए रंगिया वाली लाइन एंड अंदर वानिस रंगापारा हलुपम रेलवे लाइन, तो ओवरऑल यस टिल नाउ जर्नी इज क्वाइट गुड। और अभी अपने यहाँ पे स्नैक्स भी आ चुके, तो एक बार यहाँ से डिपार्चर हो जाने दीजिए, देन उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्नैक्स में क्या क्या आइटम अवेलेबल है। होल्ड के बाद नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम रंगापारा नॉर्थ जंक्शन। सो ये रहा अपना स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स आइटम क्या कुछ मिला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर गर्म पानी दिया गया, देन दिस वन मे बी कचौरी, और ये हल्दीराम का पटिस्टा इज दियर, टी बैग, ये रहा टी बैग चाय बनाने के लिए, नोवा का यहाँ पे मिल्क पाउडर, और यहाँ पे आपको शुगर भी दिया गया है, बट अपन यहाँ पे विदाउट शुगर वाले हैं तो इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे क्या मिला है, चना जोर गरम हल्दीराम की तरफ से, तो ये 2 पैकेट मिले। तो ये रहा अपना स्नैक, तो पहले चाय बना लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो चाय यहाँ पे बन गई अपनी, टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट तो क्या करेंगे, वैसे विदाउट शुगर वाली चाय है, दिस इज कचौड़ी, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। इट्स गुड, ठीक ठाक है, काफी सॉफ्ट है, ठीक ठाक है। सो लेट मी एंजॉय माय स्नैक्स, आपसे यहाँ पे मिलते हैं थोड़ी देर में। प्रीमियम ट्रेन में जाने का सब मतलब यही मजा है कि आप लोगों को खाने की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। सो फार सो गुड, मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों इट्स 5:55 इन द इवनिंग एंड नाउ वी हैव अराइव्ड चराली रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड इज BNE, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है, और इसके बाद अगर आप देखोगे हमारी 1208 शताब्दी एक्सप्रेस डायरेक्ट रुकने वाली है हारमुती जंक्शन, और सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ट है। नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम विश्वनाथ चराली रेलवे स्टेशन।
जो अपनी नेक्स्ट होल्ड होने वाली डेट विल बी हारमोटी जंक्शन, जो कि लगभग अराउंड 7:20 के आसपास आने वाला है। तो लगभग अगर आप देखो कि अब हमारा नॉन स्टॉप रन होने वाला है लगभग 1 hour 20 minutes का, तो लेट्स सी। इट्स 7:15 इन द इवनिंग एंड दोस्तों वी हैव रीच्ड आवर फाइनल होल्ड हारमोटी जंक्शन। स्टेशन कोड इज HMY और ये आता है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ से एक लाइन जाती है तिनसुकिया की ओर, जो कि अगर आप देखोगे तिनसुकिया विस्टाडम कोच जो आती है तो वो यहाँ से जाती है। तो इसके बाद दोस्तों अब अपना फाइनल होल्ट नाहरलगुन रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। पता नहीं अब 8 to 9 hours कैसे कटेंगे। इट्स 8 PM दोस्तों और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। जर्नी सबसे बेहतरीन थी, काफ़ी अमेजिंग लगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एज आई टोल्ड यू दैट मेरे लिए सबसे ज़रूरी था रूम बुक करना, तो फाइनली वो भी हो चुका है। तो इसलिए मैंने ब्लॉग को मतलब बाद में एंड करने का सोचा, तो लेकिन जो भी हो जर्नी वाज क्वाइट गुड, काफ़ी अमेजिंग था। शताब्दी एक्सप्रेस में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्रेवल किया, लेकिन कल अब जाने वाला हूँ यहाँ से तिनसुकिया। इन्हें विस्टाडोम कोच की जर्नी आने वाली थी, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। बाकी तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपके हाथ में है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी।